तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय एक। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धार करता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। तीतुस के नाम जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धार करता मसीही यीशु से अनुग्रह और शांति होती रहे। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों, जिनके लड़के वाले विश्वासी हों और जिन्हें लुचपन और निरंकुशता का दोष नहीं, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी न क्रोधी न पियक्कड़ न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी, वो पहुनाई करने वाला भलाई का चाहने वाला संयमी न्यायी पवित्र और जितेंद्रिय हो और विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। उन्हीं में से एक जन ने जो उन्हीं का भविष्यद वक्ता है कहा है कि क्रेती लोग सदा झूठे दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। ये गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि ये विश्वास में पक्के हो जाएं और वे यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन ना लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तु शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम में के योग्य नहीं। अध्याय दो। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हैं, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास प्रेम और धीरज पक्का, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चुनौती देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। वे संयमी पतिव्रता घर का कारोबार करने वाली भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हों, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हों, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने की कौन आ पाकर लज्जित हों। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलट कर जवाब ना दें। वे चोरी चालाकी ना करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्ववासी निकले कि सब बातों में हमारे उद्धार करता परमेश्वर के उपदेश को शोभा दे, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हम उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धार करता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया
कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। अध्याय 3। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। वे किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हों, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे और दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धार कर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई तो उसने हमारा उद्धार किया। ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धार कर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आज्ञा के अनुसार वारिस बने। ये बात सच है और मैं चाहता हूँ कि इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर की प्रतीति की है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और बैर विरोध और उन झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हों बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। किसी पाखंडी को एक दोबार समझा बुझा कर उससे अलग रहे, ये जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहरा कर पाप करता रहता है। जब मैं तेरे पास अर्तिमास या थुकिकुस को भेजूं, तो मेरे पास निकुपुलिस आने का यत्न करना, क्योंकि मैंने वहीं जाड़ा काटने की ठानी है। जेनास व्यवस्थापक और अपुलोस को यत्न करके आगे पहुंचा दे और देख कि उन्हें किसी वस्तु की घटी ना होने पाए, और हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें, ताकि निष्फल ना रहें। मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार, और जो विश्वास के कारण हमसे प्रीति रखते हैं उनको नमस्कार। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे।